ये तो मेरे बेटे फरहाद का है। कुछ देर पहले बस से इसका एक्सीडेंट हो गया, डेड बॉडी लेके आए। क्या? अगर शाजमा को पता लग गया तो वो यहाँ से भाग सकती है। जी क्या हुआ? वो आज का मर्डर हो गया है। What? अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए। सारा बीबी, वो शाजा बीबी तो कमरे में है ही नहीं, अलमारी भी खुली पड़ी है, बस चंद कपड़े रखे हुए वहां पर। इसका मतलब वो अपना काम कर गई। क्या हुआ? एसएचओ साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें कोई औरत भागती हुई दिखाई दी है। क्या शाजमा मर्डर कर सकती है, वो भी वहाज का? मैं क्या कह सकता हूँ यार, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। लालच इंसान को इस हद तक गिरने पर भी मजबूर कर सकती है। शाजमा और वाज बहुत शातिर थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शाजमा इतनी क्रिमिनल माइंडेड हो सकती है। इट्स अनबिलीवेबल। सारी भाई, मुझे लगता है ये मर्डर शाजमा ने किया है। हो सकता है वो यकीनन अपनी अम्मा के घर गई होगी। आप इंस्पेक्टर साहब को फोन मिलाएं और अभी उन्हें बताएं कि वहां पर जाकर रेड मारें। पापा कितनी खतरनाक औरत के साथ रह रहे थे। खुदा का शुक्र है कि पापा को कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने उस कातिल का साथ दिया, मगर तुम मेरी मजबूरी देख रहा था। मेरे अल्लाह, तू जानता है मैं अपने मालिकों की कितनी वफादार हूँ, इनसे धोखे का सोच भी नहीं सकती। मेरे अल्लाह, तू मुझे इस मामले से बचाए रखना। आइंदा मेरी सात फसलों की तौबा, जो मैं लालच में आकर अपने इतने अच्छे मालिकों को धोखा दो। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे मौला। देखें, मैं यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आई, मुझे बस कुछ दिन की पनाह चाहिए यहाँ पे। देखें बीबी, फॉर्म तो आपको फिल करना ही पड़ेगा, मैं ऐसे कैसे यहाँ पे रख सकती हूँ आपको? वो दरअसल मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, उसकी पहली बीवी और बच्चों ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, तो अब मुझे बस फिलहाल सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए। ठीक है, आप अपनी मालूमात, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, जहाँ जॉब करती हैं वहाँ की लेटर की कॉपी जमा करवा दें। लेकिन ये सब कुछ तो मेरे पास नहीं है। सॉरी, फिर तो मैं आपको यहाँ नहीं रख सकती। अभी सिर्फ 2 घंटे हुए मेरे शोहर को मरे में। मैं घर से ऐसे हालात में बाहर निकली हूँ कि मैं ये सब चीजें अपने साथ नहीं रख पाई। आप प्लीज मुझे यहाँ रहने दें। ठीक है, कुछ सोचती हूँ। चले, मैं आपको 1-2 दिन यहाँ रुकने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन अपने किसी अजीज को फोन कर ले जो आपको यहाँ से लेके जा सके। साजदा जी, इन्हें कमरा नंबर 6 में ले जो और बेड नंबर 2 दे दो। ठीक है, चले आने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.
वैसे मेरे एक मशवरे ने तुम्हारी जिंदगी और लाइफस्टाइल को बदल के रखा। कहां से कहां पहुंचा दिया मैंने तुम लोगों को। बस एक मशवरा मेरा और हमारा, जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लो और मुझे भी बुलवा लेना, इसी बहाने मैं हमारी रोज मुलाकात तो होगी। शाजमा किधर है? शाजमा, स्वेटर साहब, शाजमा मेरी बेटी है। पता है पता है, वो कत्ल करके यहीं भाग कर आई होगी। क्या कत्ल? वो घर किसका? बहाज का। नहीं 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 स्वेटर साहब, वो बहाज का कत्ल नहीं कर सकती। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती तुम उसी से पूछना। उसे फौरन बुलाओ। कहाँ छुपी है वो? यहाँ नहीं है सर। जाओ अंदर तो परतराशी लो सारे, ऊपर जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सही कह रही हूँ, शाजमा यहाँ नहीं है इस वक्त। हाय हाय, कैसी खराब लड़की निकली शाजमा, भला बताओ कतल ही कर डाला। नहीं नहीं लालच में बड़े उम्र के आदमी से शादी कर ली थी। उसके तो अंदाज शुरू से ही अच्छे नहीं थे, देखा नहीं था घर से कैसे फैशन करके निकलती थी। नहीं, ये वही लड़का तो नहीं है जिसका कत्ल हुआ, जो इतने घर में आता जाता था, बहुत आना जाना था इनके घर में। क्या खबर सर, पूरा घर देख लिया, वो नहीं है यहाँ। इसकी माँ का मोबाइल फौरन कब से मिला? और दो जवान बाहर तैनात करो। चल जाओ। रूमी बेटा, फिर क्या सोचा है तुमने? क्या वाकई तुम इस घर को बेच दोगे? इसके बगैर और कोई चारा भी तो नहीं है। इस घर से बहुत यादें वाबस्ता है मेरी, मैं आकर इसी घर में आई थी। फिर हम कहाँ जाएंगे? फिलहाल तो कोई छोटा मोटा फ्लैट ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सारा को चीट किया था ना, सजा मिल रही है तुम्हें इसकी। सजा? किस बात की सजा? ऐसा भी क्या किया था मैंने? हर एक शख्स को अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचने का हक है। अगर मैंने भी कर लिया तो ऐसा क्या बुरा किया? और आजकल हर कोई यही शॉर्टकट अख्तियार कर रहा है, तो मैंने कोई ऐसा अनोखा काम नहीं कर दिया। और सारा को मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे बड़ा नुकसान उसका और क्या होगा कि अपने ही ड्राइवर के साथ उसे शादी करनी पड़ी, उसके बाप ने उसे आग कर दिया। कहां कहां रुलती रही वो, मान क्यों नहीं जाते रूमी? ये सब उसके साथ तुम्हारी वजह से हुआ है।
उसके साथ की गई बददयानती की सजा मिल रही है तुम्हें। कोई सजा नहीं मिल रही मुझे, ये सब डैड की गलत प्लानिंग की वजह से हो रहा है। दुकानें बिक गई, अब घर बेचना पड़ रहा है, कोई बैंक बैलेंस नहीं छोड़ कर गए मेरे लिए, और सारा का इतना गम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मजे में वो जहीन करोड़पति बन गया है, दिन फिर गए उसके, और इधर मेरा खून खोल रहा है मॉम। सहीन को सारा भी मिल गया और पैसा भी, उसे अपनी नियत का फल मिला है, तुम्हारा क्यों खून खोल रहा है? बस कर दे मॉम, प्लीज बस कर दे अब। तुम बस कर दो रूमी अब, और खुदा के लिए सारा का पीछा छोड़ दो अब। इकलौती औलाद को कर्जों तले दबाकर डैड तो सुकून से मर गए, और आप इधर सारा की परेशानियों का बयान कर रही हैं। मुझे उस जहीन से कंपेयर करके आप मुझे कह रही मैं कुछ नहीं करूं? तो क्या करूं आप बता दें, आपको लेकर आराम से सड़क पर बैठकर भीख मांगू? बीपी तो उनका नॉर्मल है। कैसा फील कर रहे हैं हसन साहब? काफी बेहतर। जरा मेरा हाथ पकड़िए, थोड़ा जोर लगाइए, छोड़ दें आप सारा का हाथ पकड़े, जोर लगाएं थोड़ा, छोड़ दें, आप खुद से खड़े हो सकते हैं, कोशिश करें, एक मिनट। खड़े होने की कोशिश करें आप, गुड गुड गुड, वेरी गुड। इंप्रूवमेंट तो आप लोगों के सामने है, होपफुली, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं कल अपने असिस्टेंट को कह के ब्लड सैंपल भी ले लेता हूँ, और आप लोग MRI के लिए टाइम भी ले लें। GSHO साहब, कहिए। ये कि शादमा अपनी माँ के घर पे नहीं थी। मतलब वो फरार हो गई है। क्या शादमा ने कत्ल किया है? आला कत्ल तो हमने बरामद कर लिया है, और अगर उस पर शादमा के फिंगरप्रिंट मैच हो गए तो शक के की गुंजाइश नहीं बचेगी। दीगर ये कि हमें कुछ शादमा की पिक्चर चाहिए होंगी शनाख्त के लिए। यकीनन बाबा के फोन में होंगी पिक्चर्स। मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ सर। शाजमा बहुत शातिर औरत है SHO साहब, उसने इरादतन वहाज को कत्ल किया होगा, और वो ऑलरेडी मुल्क से फरार होने की अरेंजमेंट्स कर चुकी होगी। आप बेफिक्र रहें, मैं अभी उसका नाम ECL में डालने के लिए कॉल करता हूँ। शाजमा तो मेरी तवक्कुआत से ज्यादा शातिर निकली। क्या हमें बाबा को शाजमा के बारे में सब बता देना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं, उनकी तबीयत के पेश नजर कोई भी ऐसी बात उनको नहीं बतानी चाहिए। शाजमा पकड़ी तो जाएगी ना? इंशाल्लाह जरूर पकड़ी जाएगी। लीला के कॉल आ रहे हैं, मुझे घर जाना है, वो बहुत परेशान हो गई है,
अपना ख्याल रखो, ठीक है? ओके, ठीक है, वापस। मुश्किल से सही, अब ये लोग पकड़े जरूर जाएंगे, बल्कि समझो पकड़े गए। तुमने अब परेशान नहीं होना, ठीक है? और एहसन साहब का ख्याल रखना है। सही, मेरा ख्याल है तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तुम भी तो कल रात से मेरे साथ मुसलसल परेशान हो। तुम्हारी और मेरी परेशानी अलग अलग है क्या? अब तो कुछ भी अलग अलग नहीं है। हमारे बाबा कितनी खतरनाक औरत के साथ रह रहे थे। यकीनन बाबा की कोई नेकी काम आ गई जो अल्लाह ने उनको महफूज रखा है, वरना इस औरत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बशीर तो हमारे लिए रहमत बन गया, बस गलत लोगों के साथ ताल्लुक रखने की वजह से फंस गया। हाँ, लेकिन उसे रिहा होना चाहिए, उसने हमारे बाबा की जिंदगी बचाई है। सोचो अगर वो शाजमा की बात पर अमल कर लेता तो क्या होता। सही कह रही हो तुम, जहीन ने उसकी जमानत की बात की है, बट जब तक शाजमा नहीं मिल जाती तब तक कुछ कानूनी जाब्ते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा। पता नहीं उस बेचारे के साथ थाने में क्या सलूक करेंगे। वो कोई कातिल थोड़ी है जो उसे थाने में टॉर्चर करेंगे। शाजमा के साथ पता नहीं और कौन कौन इन्वॉल्व हो, ऐसे में वो हमारा बहुत अहम गवाह है। बाबा को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, वो परेशान हो रहे थे, बशीर का भी पूछ रहे थे और तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। पता है सारा, कल सारी रात मैं नहीं सो सकी, मेरा दिल तुम लोगों की तरफ ही अटका रहा। वैसे सारा, जहीन ने इतने मुश्किल वक्त में हमारा कितना साथ दिया है और मैं उसे थैंक्स भी नहीं कह सकी। कैसी बातें कर रही हो? मैं जहीन के कितने अगेंस्ट थी ना, और वो कितना पुरखलूस निकला हमारे लिए। I'm sorry, सारा। It's okay. वैसे बेला, तुम तो मुझे जहीन के खिलाफ भड़काती रहती थी। अच्छा वैसे तो मत कहो ना। अच्छा मैं ये कह रही थी कि अभी मैं बाबा के पास हूँ, तुम अगर घर जाना चाहो तो चली जाओ, कल रात से यहाँ पर हो। साबिर चाचा परेशान हो रहे होंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो जहीन कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन गया SHO से मिलने। बाबा जब सब कुछ आपके लिए आ ही चुका है तो जो स्टेप शाजमा के लिए जहीन और सारी ने लिया है, क्या आप उसे सही समझते हैं? वो डिजर्व करती है ये, उसी ने मेरे घर को बर्बाद किया। उफ खुदाया, तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में घिरे हुए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह के बाद अगर किसी की मेहनत है ना इस सब में तो वो जहीन है। जहीन, एहसन साहब के लिए तुमने कोशिशें की, मैं बड़ा खुश हूं उससे। मेरा सर तूने फिर फखर से बुलंद कर दिया बेटा। जितने एहसाना थे ना एहसन साहब के, तुमने वो सारे चुका दिए बेटा। अल्लाह तुझे हिफ्ज़ अमान में रखे मेरा बच्चा, सदा खुश रहो मेरा भाई। आमीन। और अल्लाह का शुक्र है कि बाबा भी अब बहुत तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एहसन साहब जल्दी से सेहतयाब हो जाएं, फिर मैं अपने सारे अरमान, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। अपने जहीन का वलीमा ना मैं धूमधाम से करूंगी। इंशाल्लाह जरूर अम्मा, क्यों नहीं, अल्लाह जल्द वो वक्त लेकर आए। वलीमा हम इस घर में नहीं करेंगे। क्या मतलब? वलीमा हम
ना ही घर में करेंगे। कंपनी की तरफ से मुझे नया घर मिला है। अरे वाह, माशाल्लाह ज़हीन, बहुत मुबारक हो तुम्हें। सारा, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। वाह भाई, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। ज़हीन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी, आप खुश नहीं हुई? क्यों नहीं बेटा, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? मेरे ज़हीन की मेहनतों का अजर है ये, मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा? लेकिन बस मैं ये सोच रही हूँ कि तुम लोग दूर चले जाओगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे। अकेले? हम सब साथ यहाँ से जाएंगे। क्या वाकई? लेकिन मैं तो ये समझ रही थी कि कंपनी ने तुम लोगों को घर दिया है तो तुम या बीवी दोनों रहोगे वहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है माँ, मैं कभी आपके या अब्बा के बगैर कहीं पे रहा हूँ? जहाँ आप वहाँ मैं। और अम्मा, नए और बड़े आलीशान घर में जाके अपने इस बेटे को मत भूल जाइएगा। और ये याद रखिएगा कि डॉक्टर पे मैं ही लेके जाता रहूँ आपको। इसमें याद रखने वाली क्या बात है, नए घर में भी ये सब ड्यूटीज आपकी होंगी। तो बस सही है, तुम लोग मुझे बुला लेना, मैं आ जाया करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप अनवर भाई, अगर आपका यहीं रहने का इरादा है तो भूल जाएं, हम उस घर में इसी तरह रहेंगे जैसे यहाँ रहते थे। तो इस घर का क्या बनेगा भाई? क्या बनना है, हम ये घर रेंट पे दे देंगे? अब नहीं ज़हीन, हम दूसरे घर में नहीं शिफ्ट हो सकते, बच्चों का स्कूल दूर पड़ेगा। भाभी, आप उसकी टेंशन ना लें, हम बच्चों को वहाँ करीब में किसी अच्छे और बड़े स्कूल में एडमिशन लेके देंगे। सारा, तुम्हें तो पता है स्कूलों की फीसें, बड़े स्कूलों की फीसें भी महंगी होती हैं, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। भाभी, आप टेंशन ना लें, बच्चों की फीस उनके अब्बा ही देंगे। अब अनवर, मैं कहाँ से दूंगा बच्चों की फीस? आपके लिए एक दुकान देखी है भाई, उसका एडवांस भी दे चुका हूं मैं। अब आप अपना कारोबार करेंगे। बेहतरीन हो गई है तू। क्या दुकान? सच में? आपके बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, आप उनकी पढ़ाई की टेंशन ना लें, ये जिम्मेदारी मुझे दे दें। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हे लड़की, तुझे मैडम बुला रही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपने मुझे बुलाया था। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ यहाँ दो दिन के लिए रुक सकती हो और अपना ठिकाना ढूंढ लेना। लेकिन मैडम, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं। देखो बीबी, यहाँ भी रहने का एक तरीका कार है, ये थोड़ी जो भी मुंह उठाकर आएगा हम उसे अपना मेहमान बना लेंगे। जो यहाँ आता है उसको सबूत देना पड़ता है कि आपका दुनिया में कोई भी नहीं है और ना किसी जुर्म में शामिल है। तुम्हारे पास तो अपनी मालूमात ही मुकम्मल नहीं है। जी मैडम, अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं अपने शोहर के घर जा सकती हूँ? वहां से अपना जरूरी सामान ले आऊंगी और आईटी कार्ड भी। ठीक है, जाओ और अपना शिनाख्ती कार्ड ले आना। जी जी, शुक्रिया। अहम खबर आपको दें, शाजमा मजहर हुसैन, मशहूर इंडस्ट्रियल की बीवी, अपने आशना बहाज को कत्ल करके फरार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। कातिल पर अपने शौहर एहसन हयात को स्लो पॉइजन देने का भी इल्जाम है। शाजमा मजहर हुसैन, मशहूर इंडस्ट्रियल की बीवी, अपने आशना बहाज को कत्ल करके फरार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है।
खातून पर अपने शौहर एहसन हयात को स्लो पॉइजन देने का भी इल्जाम। शाजमा मजहर हुसैन मशहूर इंडस्ट्रियल की बीवी अपने आशना बहाज को कत्ल करके फरार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। खातून पर अपने शौहर एहसन हयात को स्लो पॉइजन देने का भी इल्जाम। अरे बाजी अब तो बता दो कहाँ जाना है। भाई ऐसा करो यहाँ से राइट ले लो। जी अब बताएं बाजी कहाँ जाना है। आप ऐसा करें यहाँ पे ही रोक दें। हैं? यहीं रोक दो। नहीं रोक। बाजी, ओ बाजी किराया तो देती जाएं। बाजी, यार कैसी कैसी होती हैं ये फरारन औरतें भी। मैंने बहाज और शाजमा के बारे में बाबा को सब कुछ बता दिया। ये क्या किया तुमने? अभी बाबा की तबीयत ऐसी नहीं है कि इनके साथ ऐसी बातें की जाएं। वो भी शाजमा के बारे में। आई थिंक मैंने अच्छा किया। बाबा के नॉलेज में होना चाहिए सब कुछ। अगर ये बीमार है तो हम इन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सही कह रही है सारा। और वो लड़का बशीर। बाबा बशीर के बारे में बता रहे हैं। बशीर ने यहाँ आने के दूसरे दिन ही बाबा को शाजमा और बहाज के बारे में सब कुछ बता दिया था। बाबा उसी की वजह से चुप थे। फिर बशीर को मुस्तकिल आपके लिए यहाँ पर रख लें। अच्छा अच्छा लड़का। बाबा जब सब कुछ आपके लिए में आ ही चुका है तो जो स्टेप शाजमा के लिए जहीन और सारी ने लिया है क्या आप उसे सही समझते हैं? वो डिजर्व करती है ये। उसी ने मेरे घर को बर्बाद किया। मेरी बच्ची को मुझसे दूर किया, बदगुमान किया और उसी की वजह से मैंने तुम पे एतबार नहीं किया। सजा मिलनी चाहिए तो के तो फिर वास है वो सजा मिलनी चाहिए। बाबा आप परेशान ना हो, उसे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी।
भाई, मेरे पास कराया नहीं है। अगर आप ओ बाजी किराया नहीं तो रक्षा में बैठी क्यों थी? मैं रक्षा के अल्लाह के नाम पे चला रहा हूँ। चले नीचे उतरे। घर के पास पहुंचते ही ड्रामा शुरू कर दिया बेचारगी का। अजीब धोखेबाज औरत है। चले नीचे उतरे, हद होती है भाई। फोन से एक फोन कॉल कर सकती? नहीं बीबी, नहीं सिर्फ एक फोन कॉल, दो मिनट की बात। नहीं बीबी, नहीं नहीं, आप किसी और से कर लें बात। सही है भाई। क्या? नहीं मैम, ये कोई पीसी हुआ है क्या? हम कॉल करते फिरेंगे, जाओ कहीं और से करवा के। इसमें बर्फ तो डालना, बहुत गर्म हो रहा है। इसकी बेटी तो नहीं है? क्या वहां खतरे में है?
के अंदर कैसे आई? बाहर तो पुलिस खड़ी है। दीवार बुला के क्या कुछ करना आ गया तुझे शाजमा? लूटना, धोखा देना, कत्ल करना। अम्मा, अम्मा आपको आपको पता है मेरे साथ क्या किया मैंने? मैंने उसका कत्ल जानबूझ के नहीं किया। वो आपकी बेटी को धोखा दे रहा था, किसी और लड़की। क्या फर्क पड़ता है गलती से किया हो या जानबूझ के? कत्ल तो कत्ल होता है। अम्मा, अम्मा पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। मैं अपनी अम्मा के पास आ गई। मुझे बचा लो अम्मा। जो कुछ तूने किया ना उसका अंजाम यही होना था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? जो कुछ तूने किया वो तेरा फर्ज था। मैं अकेली बेवा अनपढ़ घर घर बर्तन मांझ के तुम दोनों को पाल सकती थी। तो बड़ी होने के नाते तेरा फर्ज था ना कि हमारी मदद करती। अब एहसान मत जता शाजमा। मेरी जान को खतरा नहीं, मुझे सजा भी हो सकती है। अरे यही तेरे किए का फल है शाजमा। आपसे क्या छुपा था? आपको नहीं पता था मैं क्या क्या कर रही हूँ? क्या माँ का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी औलाद को सही और गलत की तमीज सिखाए? तो मैं भी तो भुगत रही हूँ। जवान बेटी को कफन में देख चुकी हूँ और बेटी को दर दर भटकते देख रही हूँ। क्या कहती है? किसको देखा है आपने कफन में? फरहाद। मेरा भाई मर गया फरहाद कल रोड एक्सीडेंट में। आज अकेले बैठ के मैंने खुल पड़े तेरे भाई के। मोहल्ले में से कोई नहीं आया मेरे पास, कहने लगे कि ये कातला की माँ है, इसके घर नहीं जाएंगे। चल उठ। क्या करनी है? चल जा यहाँ से, जा। मैं कहाँ जाऊँगी अम्मी? जैसे मुंह छुपा के आई है यहाँ से निकल। आप अपनी औलाद को बेआसरा कर रही हैं। मत करें, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कुछ तो ख्याल कर मेरी उम्र का। अगर पुलिस तुझे यहाँ से पकड़ के ले गई तो वो तुझे मार डालेंगे, फांसी चढ़ा देंगे, और मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। तू क्या चाहती? मेरा एक बेटा तो चला गया, तू भी मुझे छोड़ के जाएगी?